हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और RRC की तरफ से वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज बात करने वाला हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो अपडेट दिया गया है, जिसमें आप लोग अगर देखोगे तो फॉर्म फिलअप किस तरह से करना है सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म फिलअप चल रहा है, जिसमें आप लोग लास्ट डेट जो रखा गया है 19 अक्टूबर 2024 रेलवे के अंदर फिर से जो है ग्रुप सी ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, जिसमें डायरेक्ट जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट दिया गया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बताऊँगा। ग्रुप सी के इस बार की जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें 19,000 से 63,000 तक पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। एंड ग्रुप डी के लिए अगर बात किया जाए 18 से 56,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस बार रेलवे की तरफ से ग्रुप सी ग्रुप डी के दोनों पोस्ट रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को जो है जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। जो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो कैंडिडेट जो जितने भी कैंडिडेट वो लोग यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते। एक एक बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए एप्लीकेशन करने की मौका रेलवे के अंदर बहुत बढ़िया भर्ती निकली है, जिसमें आप लोग डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर। अभी आपको बताऊंगा एप्लीकेशन करने के लिए जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। चलिए उसका भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। 12th पास करने के साथ साथ आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने की मौका दिया जाएगा। 12th पास करने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने की मौका दिया जा रहा है। 50% मार्क्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, जिसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड इसी के साथ साथ अगर आप 10th पास है तो भी आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, विथ ITI क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो 10th पास लेके, तो 10th प्लस ITI क्वालिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों को और एक बात बताऊंगा, एप्लीकेशन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका 18 से 30 इयर्स तक की एज सिलेक्शन, आपको एज लिमिट रखा गया है। फॉर ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए 18 से 30 इयर्स तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 18 से 30 फॉर ग्रुप सी, 18 से 33 फॉर ग्रुप डी। एंड यहाँ पे भी आपको एज इलेक्शन मिलेगा, जैसे आप लोगों को पता है हर बार की तरह, यहाँ पे देख सकते हो 40 इयर्स तक एप्लीकेशन कर सकते जनरल, 43 OBC एंड 45 SC ST कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि एज लिमिट रखा है। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एप्लीकेशन करने की मौका आपको दिया जा रहा है, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर सब कुछ चाहिए। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लेके एप्लीकेशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको देना पड़ेगा। 400 रुपीज़ फॉर SC ST एंड 500 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो, जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो।
बाकी रहता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है रिटेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। रिटेन एग्ज़ाम के अंदर 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले, 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले, टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाला है एंड इसी के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो रेलवे की तरफ से। इस बार फिर से जो है रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अब तक के लिए गुड बाय। अगर और भी कुछ जानकारी डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ।